बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अनार का मिल्क शेक। इसको बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। अनार के वैसे भी बहुत से फ़ायदे हैं, इसकी हम जितनी भी तारीफ करें कम है। अनार जन्नत के फलों में से एक फल है। जो लोग मोटापे का शिकार हैं वो काली मिर्च और अनार का इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह उनका वज़न बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा। तो रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो ये हमने कुछ अनार लिए हैं और इनका हम छिलका रिमूव करेंगे। अनार हमारे खून को बढ़ाता है, जिगर में ठंडक पैदा करता है, रंग को गोरा करता है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं, जितने भी बताए जाएं कम हैं। तो इसी तरह हम चारों तरफ से इसको कट्स लगा लेंगे। छोटे बड़े इसे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो देखिए हमारे अल्लाह की शान, एक एक दाना बिल्कुल अलग है और कितना खूबसूरत अनार है। अब इसको हम निकाल लेंगे बाउल में। तो देखिए अनार के छिलके हमने रिमूव कर दिए हैं। अब हम इसको जग में ऐड करेंगे। दो ग्लास हम इसमें दूध शामिल करेंगे। टू टेबलस्पून हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। वन टेबलस्पून चीनी डालेंगे और इसको हम ग्राइंड करेंगे। तो शेक हमारा रेडी हो चुका है। अब हम एक बाउल लेंगे और एक छन्नी की मदद से छान लेंगे ताकि बीज वगैरह निकल जाएं, और एक स्पून की मदद से मिक्स करते जाएंगे ताकि अच्छे से सारा शेक निकल जाए। तो शेक हमारा रेडी हो चुका है। उसको सर्व करने के लिए हमने दो ग्लास लिए हैं और इसमें हमने आइस क्यूब्स ऐड किए हैं। अब हम शेक इसमें ऐड करेंगे। वैसे तो शेक हमारा बिल्कुल रेडी है, लेकिन हम इसकी मज़ीद खूबसूरती बढ़ाने के लिए अनार के कुछ दाने लगा लेंगे। तो तैयार है हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार झटपट बनकर तैयार होने वाला मिल्क शेक। तो अगर आपको हमारी ये आज की रेसिपी पसंद आई है तो सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।